आजा। आजा। तो हेलो खूनीगर्स फैमिली, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आगे भी अच्छे ही रहेंगे। तो गाइस आज की वीडियो का थंबनेल और टाइटल आप लोगों ने देख लिए, तो आज की वीडियो तुम सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इंपॉर्टेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि आप लोगों को अपना एम जो होता है उसे बंदे के हेड के ऊपर किस तरीके से लॉक करना है। अभी देखो, आज से पहले आप लोगों ने यूट्यूब पर ढेर सारी वीडियो देखी होंगी जिनमें आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों को अपना एम रेड करना है, तब आप लोगों के बंटे पर चेप पड़ेंगे या फिर हेडशॉट चेप पड़ेंगे, या फिर आप लोगों को अपने एम को बाइट करके रखोगे तब आप लोगों के बंटे पच्चे पड़ेंगे, आप लोग अपने एम को पैरों पर रखो, एनिमी के पैरों पर रखो, यानी आप लोगों को ढेर सारी ट्रिक बताई जाती है और आप लोग उन ट्रिक को फॉलो भी करते हो, लेकिन आप लोगों के उस टाइम पे ना तो बंटे पच्चे पड़ते हैं, ना ही आप लोगों के हेडशॉट अच्छे पड़ते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको बंटे हेडशॉट मारने या फिर हेडशॉट मारने के लिए ऐसी एम लॉक ट्रिक बताने वाला हूं जिनका तुम अगर यूज करोगे तो आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़ेंगे। और यहां पर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके भी समझा दूंगा। तो मेरी तुम सभी से आज एक छोटी रिक्वेस्ट है कि मेरे कहने से आज की ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए अभी हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अब यहाँ पर मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आज की इस वीडियो में 500 डायमंड का गिवअवे और चल रहा है, और ये जो डायमंड गिवअवे वो टोटली फ्री है। इसके बदले में ना तो आपको कोई आईडी पासवर्ड दे रहे, ना ही आपको कोई पैसे वैसे पे करने हैं। तो अगर आप लोग गिवअवे में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, फ्री फायर के अंदर फ्री में 500 डायमंड जीतना चाहते हो, तो उसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। आप लोगों को आज की इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाना है, कमेंट बॉक्स में जाके आपको बस अपनी यूआईडी साथ एक मैसेज डाल देना है, तो आप में से 5 रैंडमली बंदे को मेरी तरफ से 100 करके डायमंड वो दे दूंगा। तो चलो अभी हम बात करते हैं सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में जिसका तुमको यूज करना है, जिससे कि आप लोगों के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े। तो अभी मैं आपको जो कुछ भी बोलने वाला हूँ, फिर जो कुछ भी दिखाने वाला हूँ, उसको थोड़ा ध्यान से देखना और ध्यान से ही समझना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले नंबर की ट्रिक के बारे में बात। तो अभी मैंने यहाँ पर इस क्लिप को पूरा का पूरा स्लो मोशन में कर दिया, जिससे कि आप लोगों को बेटर तरीके से समझ में आ जाए। अभी देखो, आप में से 90% बंदे गलती क्या करते हैं कि आप लोगों को जब एनिमी दिखता है तो उस टाइम पे आप लोगों का जो एम होता है उसे आप लोग बंदे के ऊपर लेके जाते हो। जैसे यहाँ पर ये एम है और आप लोग इस तरीके से अपने एम को बंदे के ऊपर लेके जाओगे, देन उसके बाद आप लोग फायर करोगे और आप लोगों के उस टाइम पर बन टैप भी अच्छे पड़ सकते हैं, हेडशॉट भी अच्छे पड़ सकते हैं, और कहो तो आप लोग का बॉडी शॉट भी पड़ सकता है। अगर आप लोग भी ये गलती करते हो कि आप लोग सबसे पहले अपने एम को बंदे के ऊपर ले जाके देन उसके बाद फायर करोगे, तो उस टाइम पे हुआ क्या कि आप लोग का एम तो बंदे के ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन बंदा आपको उतने में सुलटा जाएगा कि आप लोग को मार देगा। अगर आप लोगों को भी ओनली और रेड नंबर मारने, तो अभी यहाँ पर जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ उस ट्रिक को फॉलो करके देखना, और मैं 100% श्योर हूँ कि वो ट्रिक आपकी वर्क भी करेगी। तो देखो, इसके लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना होता है, आप लोगों को अपना एम एडजस्ट नहीं करना। आप लोगों को क्या करना है कि जैसे ही आप लोगों को एनिमी दिखता है, उसके बाद आप लोगों को अपना फायर वाला बटन एनिमी के डायरेक्शन में खींचना है, ना कि अपना एम। अब कहते हो, मैं आपको वापस से समझाता हूं कि जैसे ही आप लोग फ्री फायर के अंदर किसी भी बंदे से फाइट करते हो, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना एम एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप लोगों को एनिमी दिखता है, उस डायरेक्शन में आप लोगों को अपना फायर वाला बटन खींच देना है। जैसे मान चलो कि एनिमी सीधा खड़ा हुआ है, तो उस टाइम पे आप लोगों को फायर वाला बटन ऊपर की तरफ खींचना है। अगर आप लोगों का एनिमी राइट साइड की तरफ रन कर रहा है, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना फायर वाला बटन राइट साइड की तरफ खींचना है। अगर आपका एनिमी लेफ्ट साइड की तरफ रन कर रहा है, तो उस टाइम पे आप लोगों को अपना फायर वाला बटन लेफ्ट साइड की तरफ खींचना है। तो ये तो गई आप लोगों की पहली एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं सेकंड और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक, जो कि आप लोगों को हमेशा फॉलो करनी है। तो भाई सेकंड नंबर की जो ट्रिक है, वो काफी टाइम से बहुत ज्यादा बंदे यूज करते हैं और आप लोगों ने कभी ना कभी इस ट्रिक का यूज किया होगा, लेकिन आप में से 90% बंदे ऐसे जो कि इस ट्रिक का हमेशा गलत ही यूज करते हैं। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस ट्रिक का यूज आप लोग किस तरीके से करना है, और मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग की ये ट्रिक वर्क करेगी ही करेगी। तो सेकंड नंबर की जो ट्रिक है, वो ये है कि जैसे ही आप लोग कोई एनिमी दिखता है, सबसे पहले आप लोगों को जंप करना है। जंप करते टाइम ही आप लोगों को अपना एम जो होता है उसे एडजस्ट करना है, देन उसके बाद आप लोगों के पैर जैसी जमीन को टच करते हैं, उसके बाद आप लोगों को एनिमी के डायरेक्शन में फायर कर देना है। तो एक बार मैं आपको वापस से इजी वे में समझाता हूँ कि जैसे ही आप लोगों को बंदा दिखता है, सबसे पहले आप लोगों को जंप करना है। जंप करते टाइम ही आप लोगों को अपने हाथ में गन लेनी है, देन उसके बाद आप लोगों को अपना जो एम होता है उसे एनिमी के ऊपर एडजस्ट करना होता है। ये दोनों काम आप लोगों को जंप करते टाइम ही करना है। देन उसके बाद आप लोगों के पैर जैसी जमीन को टच करते हैं, देन उसके बाद आप लोगों को एनिमी के डायरेक्शन में अपना फायर वाला बटन खींच देना है, आप लोगों का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। और मैं आपको जंप हेडशॉट मारने के लिए इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जंप हेडशॉट करते टाइम आप लोगों का एम भी सही तरीके से एडजस्ट होता है, आप लोग अपने आप को एक बेस्ट पोजीशन में लेके आ जाते हो। तो आप लोगों को हमेशा जंप हेडशॉट मारने का ही ट्राई करना है। ये तो आप लोगों की सेकंड नंबर की एम लॉक ट्रिक के बारे में बात। अभी हम बात करते हैं फ्री फायर की तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट एम लॉक ट्रिक के बारे में बात, कि आप लोगों को तीसरे नंबर की एम लॉक ट्रिक कौन सी फॉलो करनी है, जिससे आप लोग के सामने वाले बंदे को ओनली और रेड नंबर ही पड़े।
लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे तुम सभी को एक छोटी चीज और दिखाना चाहता हूँ, तो इसको भी थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि आप में से 89.3% बंदे ऐसे जो कि मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं, लेकिन आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप में से सिर्फ और सिर्फ 10.7% बंदों ने ही अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। मेरी तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर तुम कोई मेहनत करते हो तुमको वहाँ पे सपोर्ट नहीं मिलता है तो तुमको भी गंदा लगता है, तो हम भी इतनी मेहनत करते हैं और आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते तो यार हमको भी गंदा लगता है। तो यार मैं तुम सभी से इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई लाइक और सब्सक्राइब वाला बटन याद से दबा देना। ये बात तुम सभी को पता है कि ना तो लाइक करने के पैसे लगते हैं और ना ही सब्सक्राइब करने के पैसे लगते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइबर हमको बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है और मैं तुमसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो एक बार मेरे कहने से नीचे साइड देखो आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा। सिंपली बस आपको उस पर प्रेस करना और पास में रखे बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। इसके साथ ही आज आपको एक छोटा सा कमेंट और करना है कि अगर आप लोगों ने आज ही हमारे चैनल को न्यू सब्सक्राइब किया है तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर लिख देना। अगर आप लोगों ने पहले से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो सिंपली कमेंट बॉक्स में जाके ओल्ड सब्सक्राइबर लिख के कमेंट कर देना। तो चलो गाइस अभी हम बात करते हैं तीसरी और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीक्रेट एम लॉक ट्रिक के बारे में। तो तीसरे नंबर की जो एम लॉक ट्रिक है वो ये है कि जब भी आप लोग किसी एनिमी से फैट लेते हो तो उस टाइम पे आप लोग को तीसरे नंबर की ट्रिक ये फॉलो करनी कि आप लोगों की कस्टम हॉट सेटिंग के अंदर जो जॉयस्टिक होती है उस जॉयस्टिक को आप लोगों को कुछ इस तरीके से राइट साइड की तरफ खींचना है और जिधर की साइड एनिमी होता है उस डायरेक्शन में आप लोग को फायर कर देना है। अब इस वाली ट्रिक को बोलते हैं नूब वॉक। आप लोगों में से बहुत सारे बंदों ने ये सुना होगा कि नूब वॉक करके मार रहा है, तो नूब वॉक करके इसी को बोलते हैं कि जब आप लोग अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींच के देने उसके बाद आप लोग को एनिमी के ऊपर फायर करोगे तो आप लोग का इजी पीजी वन टैप पड़ जाएगा। वैसे तो आप लोग नूब वॉक के अंदर अपनी जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट ऊपर नीचे कहीं पे भी खींच सकते हो, लेकिन मैंने आपको राइट साइड की तरफ से ही क्यों फायर करने के लिए बोला, क्योंकि आप लोग अपनी जॉयस्टिक को अगर राइट साइड की तरफ खींचते हो तो वो सबसे पावरफुल साइड होती है राइट साइड। यानी आप में से बहुत सारे बंदे जब किसी बंदे फायर करते तो राइट साइड से निकल के ही फायर करते हैं। अब देखो इसके साथ ही आप लोगों को एक ट्रिक और फॉलो करनी है कि जब भी आप लोग किसी बंदे के ऊपर नूब वॉक करके मारते हो तो सामने वाला बंदा जो आपको देख रहा होता है उसको लगता है कि तुम लोग नूब हो, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक और फॉलो करनी है। जब भी आप लोग अपनी जॉयस्टिक को राइट साइड की तरफ खींच के देन उसके बाद आप लोग एनिमी फायर करते हो तो आप लोग को सिंपली अपना जो गन स्विच वाला बटन होता है उसे दबा देना और रन वाले बटन पर क्लिक कर देना, जिससे आप लोग को सामने वाला बंदा दिखेगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों ने नूब वॉक करके बंदे को मारा है। इसके साथ ही अगर आप लोग चाहते हो विद प्रूफ के साथ फ्री फायर के अंदर फ्री में 5 डायमंड जीतना तो उस वीडियो की जो लिंक है वो मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर रखी, जहां पर मैंने आपको विद प्रूफ के साथ बताया कि आप लोग फ्री फायर के अंदर फ्री में 5 डायमंड किस तरीके से ले सकते हो। जाने से पहले मैं तुम सभी से सेकंड टाइम रिक्वेस्ट और कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार आप लोग को अपनी तरफ से पूरा पूरा सपोर्ट दिखाना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कर देना। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ।